जय श्री देवेन जी, क्या नाम है? सुदेश। तो सुदेश कब से मनु भैया के पास आते हैं? वो उधर धाम था ना। हाँ, पिछले वाले धाम से। हाँ। तो क्या आपको प्रेत बाधा थी? हाँ जी। ये मास गिर गया कोई सी? हाँ जी। तो क्या आपको प्रेत बाधा थी? हाँ जी। तो क्या वो ठीक हो गई? हाँ जी। तो अब आप क्या करते हैं मनु भैया के पास आके? बस अच्छा लगता है। भक्ति बढ़ा रहे हैं? हाँ जी, भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, तो आप जो मैं समय समय पर जब बताता हूँ, क्या वो आप जब करते हैं? हाँ जी, करते। क्या अनुभूति उसमें आपको हुई है? हाँ जी, ये माथे पे खिंचाव आता है। खिंचाव आता है? हाँ, और घर पे बैठ के भी करती हूँ तो इधर पूरा ऐसे ही लगता है कि ऐसे खिंचाव। तो क्या उसमें कोई तेज दिखाई देता है, तेज के कण दिखाई देते हैं? नहीं, वैसे नहीं, बाकी मन लगता है। मन लगता है तो शरीर में कोई वाइब्रेशन होती है, झंझनाहट होती है? पैरों में, कभी कभी हाथों में। कभी कभी पैरों में, कभी कभी हाथों में। देखो, ये कुछ लोगों के कोष ऐसे होते हैं कि उनको अनुभव बहुत दिनों बाद होता है। तो आप निरंतर लगे रहे तो आपको अनुभव जरूर होगा, ये हमारी गारंटी है। तो क्या आपने कभी मुझे लेके कोई सपना भी देखा है? हाँ जी। क्या सपना? कई बार सपने में आते हो और आशीर्वाद देते हो, पूरा पीठ पे हाथ रखे। पीठ पे हाथ रखे या सर पे हाथ रखे? नहीं नहीं, जैसे मैं पूरा झुक जाती हूँ, नहीं हूँ तो पूरा ही, यानी कि पूरी चरणों में झुक जाती हूँ, तो फिर पीठ पे ही हाथ रखे, फिर आशीर्वाद देते। अच्छा, फिर आशीर्वाद देते। आशीर्वाद याद है? कौन सा आशीर्वाद दिया? बस बस पीठ थपथपा देते। पीठ थपथपा देते? इसका मतलब जो है बेटा शाबाशी का काम कर रहा है और पिता ने उसकी पीठ थपथपा दी है। चलो, ये आपके अनुभव हैं। तो आपने मैंने कई साधनाएं बताई हैं, आपने कौन कौन सी साधना? मैं सारी कर रही हूं। सारी कर रहे हैं? हनुमान जी की भी की है आपने? हाँ जी। दुर्गा जी की भी की है? हाँ जी। पहले शनिदेव महाराज की बताई थी, वो? हाँ जी, वो भी करी थी। आपने क्या विशिष्ट तरह से ध्यान किया था माता निर्मला का? किया था, पर कि मन नहीं लगा उसमें। उसमें मन नहीं लगा? बाकी हनुमान जी वाले में लगा था। हाँ। और ये शनिश्चराय नमः उसमें लगा था, और ममका ममका ममचा मरकट काली महाकाली मशानी चामुंडा नमः, वो 9 दिन की करी थी। वो 9 दिन की? आप बाकी मैंने पहले ही कह दिया था, बाकी ना मैं हिलू नहीं, मुझे कुछ ऐसा एहसास ना हो, बाकी मैं मन से लगा के करूँ, बस बस मेरा मन लगा रहे। मन लगा तो तब से आपका मन भक्ति में लगा रहता है। हाँ, हिलते आप है नहीं। हाँ, और महसूस भी कम होता है। हाँ जी, लेकिन आपको ज्यादा महसूस होगा, वाइब्रेशंस होंगी। हाँ, आपको और ये एक बार खुलने के बाद आपका खुलता रहेगा। हाँ, और जो आज्ञा चक्र में आपके झटपटाहट होती है। हाँ, ये कई बार आपकी जो है ना कई दृष्टियां खुलने वाली होती है समस्त रूप से। तो आपकी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्दे हैं वो आपके सामने से हटते रहते हैं, उसके बाद आपको कुछ कुछ दिखाई देता रहता है। तो क्या अद्भुत स्वप्न आ रहे हैं जीवन में? ये मुझे काफी दिन उसका, यानी कई सालों से आते हैं, राधा कृष्ण दिखते हैं सपने में, या बाबा मोहन राम जी दिखते हैं, हनुमान जी दिखते हैं, वो सारी चीजें मेरे मन पसंद इष्ट देवता सारे दिखते हैं। शनिदेव नहीं दिखे अभी? अभी नहीं दिखे, दिख जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, मनु भैया तो दिखे ना उन्हीं को? हाँ, आप दिखे। हाँ, तो बस मेरे अंदर ही उन्हीं का रूप देख रहे, वो वही आते हैं काले वस्त्रों में। मेरा वस्त्र भी तो वो काले परिधान में आपके पास आते हैं, तो इसका मतलब वही हमारा रूप लेकर आ रहे हैं, वही भक्तों को धाम से जोड़ते हैं, वही कृपा करते हैं, वही अनुभूति कराते हैं। तो सब खेल उन्हीं का चल रहा है, मनु भैया का कुछ भी नहीं है। जय शनिदेव। जय शनिदेव। बोलो सच्चे सबसे अच्छे शनिदेव।